प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री दैनिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे 5 जून 2024 मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए कौन से उपाय आपको आज करने चाहिए, आपके लिए शुभ रंग कौन सा रहेगा। यदि आप कोई शुभ व मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो आज का सबसे शुभ और उत्तम मुहूर्त कौन सा है, आज के दिन की विशेषता और पंचांग के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का शुभ पंचांग। प्रिय दर्शकों, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के साथ सूर्यदेव आज उदय हो रहे हैं। चतुर्दशी तिथि सायंकाल 7:15 बजे तक रहेगी, उसके उपरांत अमावस्या तिथि होगी। आज का जो वार है बुधवार है और कृतिका नक्षत्र रहेगा शाम को 9:15 बजे तक, उसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, वृषभ राशि में संचरण करेंगे, यानी आज जो भी नवजात शिशु जन्म लेने वाले हैं सबकी वृषभ राशि होगी। प्रिय दर्शकों, आज का राहु काल का अशुभ समय 12:18 से लेकर के 2:02 तक का रहेगा। राहु काल में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए, प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य पहले से ही चल रहा है तो उसको किया जा सकता है। वहीं आज का गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं। गुलिक काल का समय प्रातःकाल 10:35 से लेकर के 12:17 तक का रहेगा। वहीं अभिजित का शुभ मुहूर्त 11:52 से लेकर के 12:46 तक का रहेगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत आज आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं राशि फल, लेकिन सबसे पहले बधाई देते हैं उन सभी दर्शकों को जिनका आज जन्मदिन है। परमपिता परमात्मा आपको दीर्घायु ऐश्वर्यता प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। मान सम्मान यश की प्राप्ति आपको हो, इसके लिए आज आपको भगवान गणपति का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके आज विवाह वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, आप सबको मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। शुरू करते हैं राशि फल का कार्यक्रम और हर रोज की तरह सबसे पहली राशि मेष राशि से करते हैं प्रारंभ। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के जातक को आज जीवन में स्थिरता बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र हो, व्यवसाय क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र, सब जगह आपको स्थिरता दिखाई देगी। इसके साथ ही कुटुंब और परिवार का सहयोग देखने को मिलेगा। धन की स्थिति आज आपकी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। प्रिय दर्शकों, आज जीवन साथी का सहयोग आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। निश्चित ही आज आप पारिवारिक सुखों का आनंद प्राप्त करेंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग रहेगा हरा। दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको भस्म का तिलक शिव जी को भी अर्पण करना चाहिए और स्वयं के माथे पर भी लगाना चाहिए। निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए भी आज अच्छी स्थिति बनी हुई है। कार्य क्षेत्र, नौकरी के क्षेत्र, विशेषकर बिजनेस के क्षेत्र में नए कॉन्ट्रैक्ट आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही आज व्यवसाय वर्ग में अच्छा मान सम्मान आपको देखने को मिल सकता है। कोई पुरानी डील यदि अटकी हुई थी तो आज पूर्णता की संभावनाएं बन रही हैं। आज पारिवारिक सुखों के साथ साथ धनागमन की स्थिति अच्छी रहेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा कार्य क्षेत्र को लेकर के भागदौड़ भी बनी रहेगी। आज शुभ रंग है आपके लिए सफेद रंग और दिन को बेहतर बनाने के लिए आज नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिवलिंग पर दूध चढ़ाना न भूलें। मिथुन राशि, आज धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च कर सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं। विदेश से संबंधित शुभता दिखाई दे रही है, विदेश से संबंधित लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही खर्चों की स्थिति थोड़ा नाजुक बनी हुई है, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। व्यर्थ के खर्चों को करने से आज आपको जरूर बचना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आज का शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन और भाग्य को बेहतर बनाने के लिए आज भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाना न भूलेगा। इसके साथ ही ओम गंग गणपति महामंत्र का यथाशक्ति जप आप आज कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को आज धन की हानि हो सकती है, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। माता पिता के साथ छोटी मोटी बहस हो सकती है जिसके कारण आज के दिन आपका मूड खराब हो सकता है, इसको लेकर के भी सतर्क सावधान रहेगा। कलह क्लेश करने से बचिएगा। आज का शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट येलो और दिन को बेहतर बनाने के लिए आज ने कंठ और नाभि पर पीले चंदन से तिलक आपको अवश्य करना चाहिए। निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। आज कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिल सकती है।
इसके साथ ही वाद विवाद की स्थिति भी बन रही है। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आप में अधिक है, तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आज झगड़े की स्थिति बनती हुई भी नजर आ रही है। वैसे कार्य क्षेत्र में नई यात्रा व नए व्यवसाय की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। पिता का सहयोग जरूर आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए बैंगनी रंग, और दिन को बेहतर बनाने के लिए आज भगवान गणपति को बेसन का लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा, और कुछ लड्डू गरीब लोगों में या कन्याओं में जरूर बांटिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को आज भाग्य का सहयोग मिलेगा। घर में बड़े बुजुर्ग के साथ बहस कर सकते हैं। स्वास्थ्य का आज आप ध्यान रखिएगा। आज अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने से पहले अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना न भूलिएगा। आज का शुभ रंग आपके लिए रहेगा लाइट येलो, और दिन को बेहतर बनाने के लिए आज धार्मिक पुस्तक का दान करना आपको लाभ देने का कार्य करेगा। तुला राशि। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मानसिक रूप से बेचैन रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन से हो या जीवन साथी के माध्यम से टेंशन व डिप्रेशन आज के दिन आपको हो सकता है। खानपान का आपने विशेष ध्यान रखना है। कुछ समय ध्यान मेडिटेशन करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं के साथ आज आप कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, और कुछ योजनाएं आपकी आज सफल भी होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्रेमी रंग, और दिन को बेहतर बनाने के लिए आज माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के गुलाब का पुष्प अर्पण कर दें तो और भी बेहतर आपका दिन रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। यदि वैवाहिक जीवन में है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसके साथ ही आज आपको नया कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है। यदि आप कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रहे थे तो कहीं ना कहीं सफलता की स्थिति भी जरूर देखने को मिलेगी। आज का आपका शुभ रंग रहेगा पीच केसरी तिलक। भगवान गणपति को अवश्य अर्पण करिएगा, निश्चित ही आपका दिन शुभ होगा। धनुराशि। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद आज आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। यात्राओं की स्थिति के साथ साथ धन लाभ की स्थिति भी आज आपके लिए बनी हुई है। आज का आपका शुभ रंग रहेगा पिंक, और दिन को बेहतर बनाने के लिए आज शिवलिंग पर कच्ची लस्सी अर्पण करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज विद्या में विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। आज अपने इष्ट देव की आराधना करने में समय व्यतीत कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध की स्थिति भी मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। अचानक से पुराने मित्र से आज भेंट हो सकती है, और ये मुलाकात आपको आज तरोताजगी प्रदान करेगी। आपके लिए आज शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लैक रंग, और आज भगवान गणपति की आराधना करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। अब कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, आज पारिवारिक जीवन में कलह कलेश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। भूमि भवन से संबंधित विवाद देखने को मिल सकता है। इसके साथ कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति है। नौकरी व्यवसाय में आज आपकी सराहना की जाएगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ ही कोई नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है, नए प्रोजेक्ट पे आज कार्य आप कर सकते हैं। आपके लिए आज शुभ रंग रहेगा गहरा हरा रंग डार्क ग्रीन, और दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको प्रातःकाल सूर्यदेव को जल जरूर देना है। इसके साथ ही आप कुछ मिठाई का दान व अन्न का दान गरीबों में कर दें तो निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। मीन राशि। बचक्र की अंतिम राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है? प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास में प्रबलता दिखाई दे रही है। भाइयों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक से कोई रुका हुआ कार्य आज आपका बन सकता है। आज का शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज। आज आप दुर्गा सप्तशती से दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ जरूर करिएगा, निश्चित ही आपके सभी कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आज भी सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन भर व्याप्त रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में वो सभी कार्य जो दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह क्रय विक्रय से लेकर के हो, यात्रा आवेदन से लेकर के हो, नौकरी प्राप्ति से लेकर के हो, या विद्या अध्ययन के लिए हो, ये सभी कार्य किए जाते हैं, और आप ये सभी कार्य इस योग के अंतर्गत निसंकोच कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 8826810020, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।